ये जन स्वाद है, ये स्वाद ले पब्लिक का। किसी को कहते इसको बाहर फेंक दो, किसी कहते इसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज करा दो। गौतम जी ने बता दिया ना क्या हो रहा है, कहते भाई सड़कें बना दी, वो कहते यह सड़क देख लो तो है 75 पार का नारा ना होता तो आज कांग्रेस की सरकार होती। और हम तो इस बात की वकालत करते कोई लीडरशिप नहीं किसी की, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको दो, सर्वे करा के दो, जो जो जीत का हकदार है, जो जीत सकता है उसको दो, या कोटा सिस्टम ख़त्म करो। कोटा सिस्टम जिस दिन ख़त्म होगा वो पुनः कर देंगे, 75 से ज़्यादा सीट आएंगे, वो तो 75 पार कर दे, वो तो 40 पे रह गए, लेकिन ये 80 से ऊपर जा सकते हैं। कोटा सिस्टम क्या है जाएगी आपकी नज़र? कोटा सिस्टम पीछे ये कह दिया भाई 5 सीट उसको दे दो, 5 उसको दे दो, 20 उसको दे दो, 10 उसको दे दो, तो ऐसे बटी हैं। तो उन्होंने बजाय इसके जीतने वाले कैंडिडेट को उन्होंने ये दिया भाई इसको कौन हरा सकता है, उसको दिया, जीतने वाले को नहीं दिया। बहुत ऐसे कांग्रेसी थे, यदि ये पता लग जाता अगर भाई कांग्रेस 31 सीट ले रही है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार होती, सिर्फ 4500 वोट ऐसे थे, यदि 4500 वोट इधर से उधर हो जाते तो कांग्रेस की सरकार को 700 से आ रहा है, को 800 से आ रहा है, 400 वोटों का फर्क था, को 450 से आ रहा है। तो ये बहुत ऐसी सीटें थी जो 500 इधर उधर हो जाती वोट तो जीत जाते। तो कांग्रेस तो ये ज़रूर है कि भाई कांग्रेस में जो लड़ाई थी थोड़ी बहुत एक दूसरे को हराने की, लेकिन अब स्थिति ये है लोग किसी की मानने वाले नहीं, लोग उसको वोट देंगे जो बीजेपी को हराएगा। जनसंवाद कार्यक्रम चला हुआ मुख्यमंत्री का, जगह जगह भाषा का कुछ अलग से प्रयोग किया जा रहा मुख्यमंत्री की तरफ से, उस पर क्या कहना? ये जन संवाद नहीं है, ये जन स्वाद है, ये स्वाद ले पब्लिक का। किसी को कहते इसको बाहर फेंक दो, किसी कहते इसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज करा दो, किसी को चांद पर पहुँचा दो, मतलब ये स्वाद ले रहे हैं। इन्हें पब्लिक से दुख से तकलीफों से कुछ नहीं है। गौतम जी ने खोली नहीं पोल, गौतम जी ने बता दिया ना क्या हो रहा है, कहते भाई सड़कें बना दी, वो कहते यह सड़क देख लो तो है